बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। हम फिज़िक्स का चैप्टर 3 कर रहे हैं, फोर्स एंड डायनेमिक्स। आज हम उसमें करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर अमल का रद्द अमल होता है, जो अमल के बराबर होता है लेकिन मुखालिफ सिमत में होता है। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। आपको पता है कि बटरफ्लाई इफ़ेक्ट क्या होता है? बटरफ्लाई इफ़ेक्ट को क्योस थियरी भी कहते हैं, कि जब इतनी स्मॉल हरकत जैसा कि फ्लटर ऑफ अ बटरफ्लाई विंग कुड कॉज अ टाइफून हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड। बटरफ्लाई के जो तितली होती है उसके पर भी एक बहुत जो हरकत पर फड़फड़ाने से होती है, वो एक बहुत बड़े तूफान का पेशकीमा हो सकती है। इस बात को हदीस में यूँ बयान किया गया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी और मारूफ के किसी भी काम को हकीर ना जानो। कोई भी नेकी हकीर नहीं होती, जितना भी उसकी तौफीक मिले वो करनी चाहिए। जैसे रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करना, किसी को मुस्कुरा कर देखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ भेजना। तो प्यारे बच्चों, ये सारी छोटी अमली ज़िंदगी की बातें, हम हर अपने अमल से नेकी कमा सकते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम अल्लाह की भेजी हुई किताब को तर्जुमे से पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि हमारे अल्लाह ने हमें क्या कह रहा है, हमारी जो हदीस है वो हमें क्या कहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के अकवाल को पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो फिर ही हम अच्छे काम कर सकेंगे। अब आप देखें कि ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बुक एंड अर्थ। एक किताब है जो एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो वो नीचे को एक्शन हो रहा है और टेबल टू द बुक, रिएक्शन फोर्स ऑफ टेबल ऑन द बुक, इसलिए वो स्टैटिक है। इसी तरह अगर आप देखें, व्हेन द बैलून इज सेट फ्री, जब बैलून को ऊपर छोड़ा जाता है, द एयर इनसाइड इट रशिज आउट, उसके जो अंदर हवा होती है वो तेज़ी से बाहर निकलती है और जो बैलून है वो मूव्स फॉरवर्ड, तो बैलून आगे की तरफ जाता है। अ रॉकेट आल्सो मूव्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, इसी असूल के ऊपर रॉकेट जो है वो भी फॉरवर्ड मूव करता है। व्हेन द फ्यूल बर्न्स, जब उसके अंदर ईंधन जलता है, हॉट गैसेस एस्केप आउट फ्रॉम इट्स टेल, उसकी दुम से गर्म गैसें बाहर निकलती हैं बहुत तेज़ रफ्तार के साथ, और जितनी तेज़ रफ्तार के साथ वो उसकी दुम से निकलती हैं उतनी रिएक्शन के तौर पर रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है। द रिएक्शन ऑफ दीज गैसेस ऑन द रॉकेट कॉजेज इट टू मूव ऑपोजिट टू द गैसेस रशिंग आउट ऑफ द टेल, जितनी तेज़ी से गैसेस बाहर निकलती हैं उसी तेज़ी से रॉकेट जो है वो आगे को बढ़ता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखेंगे स्केटिंग जो होती है वो भी ऐसे ही होती है, उसे एक्शन और रिएक्शन आगे को पुल करता है। इसी तरह आपने कश्ती में भी देखा होगा कि चप्पू चलाते हैं तो एक्शन पीछे की तरफ हो रहा है, रिएक्शन के तौर पे आगे जाते हैं। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।